छाता में कृष्ण जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में 52 गांव से आए हुए जादौन यदुवंश समाज द्वारा निकाली गई भगवान श्री कृष्ण की विशाल शोभा यात्रा। आजन्मे के जन्म को लेकर जादौन यदुवंश समाज में भारी उत्साह व उमंग। छाता कस्बे में श्री कृष्ण जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में मची धूम। जादौन यदुवंशी समाज द्वारा निकाली गई शोभा यात्रा। आपको बता दें कि मथुरा में श्री कृष्ण के 5251वें जन्मोत्सव की धूम मची हुई है, तो वहीं मथुरा के आसपास चारों दिशाओं में मची हुई थी। मथुरा नगरी को दुल्हन की तरह सजाया गया है, वहीं मथुरा के साथ साथ पूरे ब्रजमंडल में भी अजन्मे के जन्म को लेकर भारी उत्साह उमंग है। वहीं उसके साथ साथ ही छाता कस्बे में श्री कृष्ण जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में भी भारी धूम मची हुई है। जन्मोत्सव को हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी हर्षोल्लास के साथ मनाते हुए जादौन यदुवंश समाज द्वारा आज कस्बे के बिहारी जी मंदिर से 52 गांव की सरदारी द्वारा एक विशाल शोभा यात्रा निकाली गई। वहीं शोभा यात्रा से पहले बिहारी जी मंदिर पर जादौन यदुवंश कमेटी के पदाधिकारियों ने 52 गांव से आई सरदारी का पीले व गुलाबी रंग साफा पहनाकर स्वागत किया। शोभा यात्रा का जगह जगह नगरवासियों ने पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। आपको बता दें कि इस शोभा यात्रा में इसमें दूर दराज से प्रसिद्ध बैंड एवं दिव्य झांकियां भी देखने को मिली। वहीं इसी दौरान कोतवाली प्रभारी छाता संजय कुमार त्यागी भारी संख्या में पुलिस फोर्स के साथ बड़ी मुस्तैदी के साथ शोभा यात्रा में नजर आए। वहीं ये शोभा यात्रा दोपहर 2 बजे बिहारी जी मंदिर से प्रारंभ होते हुए बीच का थोक, हरनाथिया थोक, रामन पाड़ा, पुराना जीटी रोड, गोवर्धन चौराहा, बरसाना चौराहा, नई तहसील दिल्ली गेट सराय, शाही मेन बाजार होते हुए हनुमान बगीची पर समाप्त हुई। इस यात्रा में जादौन यदुवंश समाज के लोग हाथों में तलवार लिए शक्ति प्रदर्शन करते भी नजर आए। वहीं शोभा यात्रा में देश के कोने कोने से जादौन यदुवंश समाज के लोग शामिल हुए। इस दौरान शोभा यात्रा में सक्रिय जादौन यदुवंश समाज के सभी संगठनों ने भी भाग लिया। शोभा यात्रा में रथ पर विराजमान गोपाल जी की झांकी, राधा कृष्ण की झांकी, शिव भोले की झांकी, काली मैया की झांकी, अन्य सुंदर झांकियां देखने को मिली। हमारा योग योग सर भगवान जो हमारा जिसमें जिस जन्म में हमने वंश लिया है, जन्म लिया जिस वंश में, वो हमारे योगेश्वर भगवान कृष्ण है। कम से कम 3 महीने से छाता के लोग जो अपने युवा पीढ़ी है और सरदारी जो हर गांव में जा रहे हैं और 3 महीने से लगे हुए। आज यहाँ पे जो बैंड आए हुए हैं, बैंड कोसी से, बाहर से, दरबार से कई बैंड किए और बड़ी मात्रा से झांकी भी बनाई करी, तैयार की लोगों ने, और बहुत ही उमंग और बड़ा जोश है लोगों में। हमारे भगवान की इतनी अपार खुशी है जिसका कोई ठिकाना नहीं है। झांकी कम से 10 झांकियां हैं और भगवान श्री कृष्ण की विग्रह मूर्ति भी है जिनका जन्म हो रहा है आज रात्रि को। धन्य धन्य पावन ब्रज भूमि, धन्य यहाँ का नारा है, कण कण में है राधा रानी, कृष्ण सभी को प्यारा। तो आज हम अपने इष्ट देव योगेश्वर और इस ब्रह्मांड के स्वामी भगवान श्री कृष्ण का 5251वां जन्म दिवस मना रहे हैं। और ये जन्म दिवस हमारे केवल छाता में ही नहीं, संपूर्ण ब्रज में, संपूर्ण भारत में और सनातन धर्म को मानने वाले विश्व के हर कोने कोने में बड़े हर्षोल्लास के साथ में मनाया जा रहा है। जहां तक इस झांकी की बात है तो हमारा छाता का जो यदवन समाज है, हमारे बुजुर्गगढ़ हैं, हमारी युवा शक्ति है, इन्होंने विगत 2 सालों से विशेष मेहनत करके ये प्रयास शुरू किया और ऐसा प्रयास शुरू किया जिससे हमारा संपूर्ण यदवन समाज, जादौन समाज एकता के रास्ते पर संगठित होकर के एक नया इतिहास लिखने जा रहा है। इससे पूर्व भी गत वर्ष भी बड़ी धूमधाम से झांकी निकाली गई थी और उसमें हमने ये देखा कि हमारा यदवन समाज ही नहीं, यहाँ आसपास के जो अन्य समाज है, राजपूत समाज है, ब्राह्मण समाज है, चौधरी समाज है, उन्होंने भी अपनी सक्रिय भूमिका अदा की, उन्होंने भी बड़ा सुंदर सहयोग दिया था। तो इससे मानवता में एक नया संदेश जा रहा है कि हम आपस में सहयोग करें, प्रेम और भाईचारे से रहें। और यही संदेश हमारे युग पुरुष, हमारे योगेश्वर श्री भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवत गीता के उपदेश में दिया था कि सब शांति से रहें, सब प्रेम से रहें। और सबसे बड़ा उन्होंने उद्देश्य ये दिया था कि अपना सत्कर्म करते रहें, कर्म पथ पर आगे बढ़ते रहें, फल की इच्छा न करें। अगर हमारे कर्म अच्छे होंगे, अगर हम सतपथ पर अग्रसर होंगे तो सौभाग्य है और मतलब ऑटोमेटिकली हमको अच्छे फल की प्राप्ति होगी। तो आज उन्हीं परमेश्वर का, उन्हीं परमपिता परमेश्वर, अपने इष्ट देव का हम ये 5251वां
ये जन्म दिवस बड़ी धूमधाम से मना रहे हैं। और इस पावन शुभ अवसर पर मैं अपनी छाता की समस्त सम्मानित सरदारी को, यहाँ के युवा वर्ग को कोट कोट बधाइयां देना चाहूंगा, नमन करना चाहूंगा, जिन्होंने अपने कठिन परिश्रम से, सतत लगन से, विगत 3-4 महीनों से अविरल रूप से अथक श्रम करके ये विशाल आयोजन यहाँ पर किया है। और इसमें हमारे यदुवंश समाज की, केवल हमारे मथुरा जिले की नहीं है, राजस्थान से, मध्य प्रदेश से, और आपके हरियाणा से भी, दिल्ली से भी, गाजियाबाद से भी, और अन्य कई जिलों से, अलीगढ़, हाथरस, जितने भी हमारे दूरस्थ लगे हुए जिले हैं, और जो भी भगवान श्री कृष्ण के श्रद्धालु हैं, उन्होंने अपना अमूल्य समय निकाल करके यहाँ पर अपनी गरिमा में उपस्थिति दी है।